प्रस्तुत है विशेष जयमाला। आजादी जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया को। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहां आदिकाल से ही जहां एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम प्रेम और अपनत्व के मर्म को दिल में समाये रखती है, वहीं दूसरी ओर ये धरती अपने योद्धाओं के पराक्रम और अतुलनीय शौर्य के लिए भी प्रख्यात है। जहां हर काल में देश के वीरों ने अपने लहू से वीरता की इबारत लिखी और देश विदेश में आर्यावर्त का परचम लहराया, महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, पृथ्वीराज चौहान,
पंजाब में जन्मे और बचपन में ही शेर का शिकार करने वाले शेर शाह सूरी, राणा सांगा, समाना के युद्ध में मुगलों को धूल चटाने वाले बंदा सिंह बहादुर की दास्तान हो, छत्रसाल बुंदेला की बात हो, वीर शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, या फिर बात करें बाबू कुंवर सिंह की वीरता की, जिन्होंने जीत की इस मशाल को कभी भी बुझने न दिया और मातृभूमि के लिए मर मिटने की अलख को जगाए रखा। सदियां आईं और गईं, वक्त बदला, तारीखें बदली, जमाने आए और गए, लेकिन शौर्य और पराक्रम का वो दस्तूर बदस्तूर कायम रहा कि देश के वीरों और मां भारती के रणबांकुरों के बढ़ते कदमों की आहट, आसमान में उड़ता गुबार, विजय घोष का नाद, सिंह सी गर्जना, बिजली सी टंकार, फौलाद का जिगर और फतेह के तिरंगे को चूमने का वो हुनर, इनके बेखौफ कदमों की आहट ये बताती है कि ये जुनून भी पुराना है, ये लहू आशिकाना है, जिसने दास्तान हिंदुस्तान के इतिहास में जाने कितनी ही जंगी हवाओं का रुख मोड़ा है। फिर चाहे सिकंदर आजम की बात हो, हूणों की नस्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का मादा हो, मुगलिया सल्तनत के मगरूर सिर को झुकाने का हुनर हो, या फिर बरतानिया हुकूमत को घुटनों के बल लाने का फन हो, देश के वीरों ने कुर्बानियों पे कुर्बानियां दी, लेकिन अपने सिर को कभी दुश्मनों के आगे झुकने न दिया। बदलती तारीखों ने समय समय पर हीरे और माणिक जैसी चमक लिए, हमारे देश की धरती को कई न भूलने वाले जख्म भी दिए। 18वीं और 19वीं सदी के पूर्वार्ध का दौर भी कुछ ऐसा ही था, जब सांसों में घुटन थी, हवाओं में बेड़ियों की जकड़न को महसूस किया जा सकता था। विश्व मानचित्र पर बरतानिया हुकूमत के बढ़ते कदम भारत तक आप पहुंचे थे और इस परतंत्रता की बेड़ी से आजाद हुए मुल्क भारत ने फिर एक बार वीरता का इतिहास रचा। सन 1947 को देश की आजादी के साथ ही इस देश के दो हिस्से भी हुए। आजादी की खुशियां तो मिली, लेकिन दिल का सुकून जाता रहा, अमन और चैन की तलाश में हाथ खाली ही रहा। धुआं 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 ही धुआं, ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई जमी ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की, नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की, है दर बदल ये लोग क्यों जले हैं क्यों मकान। धुआं 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 ही धुआं, आग डाल दी है नर्म नर्म घास पर, लिखा हुआ है जिंदगी यहाँ हर एक लाश पर। लकीर खींच दी गई दिलों के दर्द।
अलग हुए, पड़ोसी मुल्क की हसरतें फिर भी पूरी न हुईं और दोस्ती और अमन के बदले पीठ पर खंजर ही मिले। 1947 के बाद तामीर हुए, पड़ोसी मुल्क की भूख कम न हुई थी, लिहाजा सीमा पार से कबायलियों के चोले में दुश्मन सेना की घुसपैठ बढ़ने लगी। सीमा पार से शत्रुओं के रेंगने का सिलसिला जारी रहा और देखते ही देखते जंग की सुगबुगाहट तेज होने लगी। देश की उत्तर पूर्वी और खासकर उत्तर पश्चिमी सीमाएं बेहद संवेदनशील हो चली, जहां हर वक्त दुश्मनों की गतिविधियों को साफ देखा जा सकता था और इन्हें परखा भी जा सकता था। इस लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके जम्मू कश्मीर के थे, जहां हिमालय की गोद में पला ये वो धरती का स्वर्ग था जिसे ऋषि कश्यप के आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह की छाया मिली थी। शीतल हवाओं में सांस लेती यहाँ की परंपरा, झील की श्वेत धाराएं, मंदिरों का शंखनाद और प्रकृति और संस्कृति का अनुपम सौंदर्य झिलमिलाता था। ये मेरा कश्मीर है, 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 ये मेरा कश्मीर। अब जिंदगियां खौफ के साए थीं, हर तरफ से दुश्मनों की बढ़ती घुसपैठ और रह रहकर होते हमलों ने शांति के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। आखिरकार इन हमलों ने जंग का रुख इख्तियार कर ही लिया। देश के बंटवारे के बाद भारत पर थोपी गई ये एक ऐसी जंग थी जिसकी उम्मीद किसी को न थी। एक तरफ देश की नई व्यवस्थाओं को बनाने की जिम्मेदारी थी तो दूसरी तरफ शत्रु की ललकार। लेकिन भारतीय सेना के हौसलों की बुलंद परवाज से शायद शत्रु भी नावाकिफ था। भारतीय सेना की तीनों कमानों जल, थल और वायु सेना को
पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। जंगी जहाज मोर्चों पर तैनात किए गए और सेना की इन्फेंट्री बटालियंस को कवर देने की हिदायत दे दी गई। इसी समय डोगरा रेजिमेंट के अनुभवी कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया को सेना के हेडक्वार्टर तलब किया गया, जो एक बेहद अनुभवी अफसर थे और 31 जनवरी सन 1937 से फौज में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें युद्ध में अच्छा खासा अनुभव प्राप्त था, अपने मिशन की कामयाबी के लिए जो जाने भी जाते थे। खासकर दर्रा घाटी में सेना के संचालन का अद्भुत हुनर उनके पास था, जो चुनौतियों के लिए खुद एक चुनौती बन जाया करते थे। चार डोगरा रेजिमेंट को फरवरी 1948 में लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की अगुवाई में तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर रवाना कर दिया गया। बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया फलाद का जिगर रखते थे। फतेह की एक और मशाल को जलाए वो अपने मिशन की तरफ बढ़ चले। हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे, कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे, हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। देश की लाज बचानी है घर लिख भेजा है चिट्ठी में, बहता है खून शहीदों का हिंदुस्तान की मिट्टी में, जब जब वीरों की कुर्बानी अपना रंग दिखाएगी, भारत माँ खुद हाथों से उनको चंदन तिलक लगाएगी। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। सन 1948 के इस युद्ध की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता था कि जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे इलाके जिनमें पुंछ, गुरेज, झांगर, नौशेरा और राजौरी तक शत्रु आ पहुंचा और यहां के रास्ते बारामूला तक घुसपैठ बेहद तेज थी, जिसमें शत्रु बहुत मायने में खुद को कामयाब समझता भी रहा। बारामूला के रास्ते श्रीनगर और फिर कश्मीर घाटी को तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश लिए जैसे ही दुश्मन राजौरी तक पहुंचा, उसे कलाल गांव में लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की डोगरा रेजिमेंट ने घेरना शुरू किया। कर्नल बुटालिया के लिए चुनौतियां बड़ी थीं, क्योंकि यहां युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। एक तरफ चार डोगरा रेजिमेंट, जिसे चार सतारा भी कहते हैं, जिनका युद्ध पर विजय प्राप्त करने का शानदार इतिहास था। दूसरी तरफ 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक कुमाऊं रेजिमेंट के जांबाज सिपाहियों ने मोर्चा संभाल रखा था। सेना की आवाजाही, हथियारों को मुहैया कराना, रसद की सप्लाई और घायल सैनिकों को शिविर तक ले जाने का भी काम सेना के ही सुपुर्द था।
ये बात गौर तलब है कि 22 फरवरी 1948 को चार डोगरा रेजिमेंट के प्रथम कमांडिंग अफसर IJS बुटालिया को युद्ध के मोर्चे कलाल के रास्ते आ रही 19 इन्फेंट्री बटालियन की दो टुकड़ियों की वापसी को कवर देना था, साथ ही कलाल की तरफ बढ़ रही एक कुमायूं बटालियन को भी सुरक्षा प्रदान करना था और ये काम चल रहे भीषण युद्ध के दौरान ही करना था। इस महीने ठंड से सिकुड़ती और बर्फ से ढकी वादियों ने सेना की मुश्किलें खासी बढ़ा रखी थीं। कलाल की बर्फीली दर्रा घाटी के रास्ते आगे बढ़ते हुए चोटी तक सैनिकों को पहुंचना था। पहले भी कलाल के इलाके चावा, झांगर और बरवाली रिज में फतेह का झंडा बुलंद कर चुकी डोगरा रेजिमेंट के हौसले बुलंद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल बुटालिया ने आगे बढ़ती एक कुमाऊं रेजिमेंट की दाहिनी ओर अपने सैनिकों को तैनात किया। सेना आगे बढ़ने लगी और 19 इन्फेंट्री की दो टुकड़ियां वापसी के रास्ते थीं। हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही, खामोश फिजाओं में बारूद घुलती रही, पंछी आशियानों में फड़फड़ाते रहे, ऊंचे दरख्तों पर मौन का साया था। दर्रा घाटी की बर्फ का रंग लाल हो चला था। रेंग कर घुसते शत्रु सैनिकों को हमारे सैनिकों ने कई मोर्चों पर धर दबोचा, उनके हथियार असलाहे छीन कर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। कुछ तो हाथापाई में संगीन के हत्थे चढ़े, न हड्डियां कपा देने वाली ठंड की परवाह थी, न मुश्किल रास्ते कर्नल बुटालिया को रोक सके। असलाहे बेशक कम और आधुनिक न थे, फिर भी इनकी परवाह किए बिना शत्रुओं का गिरेबां चाक होता रहा और चार डोगरा रेजिमेंट के सैनिक अफसर लेफ्टिनेंट बुटालिया की अगुवाई में आगे बढ़ते रहे और बिना रुके बिना थके नजरें शत्रु की ओर गड़ाए। भारतीय सैनिक साथ ही साथ दूसरी रेजिमेंट के भी आगे बढ़ते ही रहे और सेना की अन्य टुकड़ियों की सुरक्षित आवाजाही की जिम्मेदारी भी IJS बुटालिया निभाते रहे। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रुको ना सपनों के तूफानों को, रुको ना जज्बों की उड़ानों को, रुको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा।
विभीषण युद्ध में कुछ साथी सैनिक साथ छोड़ गए और वतन की राह में अपनी जानें कुर्बान की। अपने कुछ शहीद हुए सिपाहियों को अलविदा कह सेना के जवान अपनी पूरी सूझबूझ से कर्नल बुटालिया के साथ युद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी शत्रु सैनिकों की तरफ से आते एक हथगोले के विस्फोट से लेफ्टिनेंट कर्नल बुटालिया का बायां हाथ उनके कंधे से अलग हो गया। लेकिन इतने पर भी कर्नल बुटालिया न रुके और शत्रुओं को मौत की नींद सुलाते रहे। साथ ही सैनिकों ने उन्हें चिकित्सा शिविर लौटने का इशारा किया और सहायता को आगे बढ़े। लेकिन लेफ्टिनेंट बुटालिया की वीरता का ये फन था कि मोर्चे पर बिना फतेह पाए उन्होंने लौटना कभी सीखा नहीं। सो इस हाल में भी सेना का संचालन करते हुए खुद भी आगे बढ़ते रहे। छाती डुल डुल पैंदी है जवानी सिंह मशहूर सारे दिंदे ने सलामी एक एक सिंह सवा लाख युद्ध पारी एक एक सिंह सवा लाख युद्ध पारी बैरियां दा दिल तेज धड़केगा चक ले हुण हथियार अज सिंह विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। ओ देश मेरे तेरी शान फिसल के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा
चल तेरा रहे रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। यूं तो लेफ्टिनेंट बुचालिया को भी एहसास हो चला था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं, सांसें थमने लगी तो यही सोचा कि वतन के काम आ सके वो सांसें हैं, वरना इनका मोल भी क्या, मौत इन दामों खरीदी जाए तो बहुत सस्ती है। कदम थमने लगे, जिंदगी का सहारा छूटने लगा, लहू का कतरा वतन की मिट्टी को भिगोता रहा, आंखों की रोशनी नम हो चली, फिर भी इरादा पक्का था कि मंजिल के रास्ते तय हो चले हैं, दुश्मन की शिकस्त और भारतीय फौज की फतह सिद्ध है। तो इस इत्मीनान को अपने सीने से लगाए इस शेर दिल सिपाही ने वतन की मिट्टी को आखिरी सलाम कर अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारे तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। भारतीय फौज की डोगरा रेजिमेंट ने इस मुहिम को तेज करते हुए कलाल के पर्वतीय इलाकों से शत्रु को चुन चुन कर मौत की घाट उतारा और कलाल पर आखिरकार डोगरा रेजिमेंट ने फतह हासिल कर सेना के इतिहास में एक और जीत दर्ज की। साथियों, वैसे तो ये युद्ध कुछ और महीने आगे चला, शत्रुओं को खदेड़ खदेड़ कर मारा गया, उनके असलाहे गोला बारूद तोपखाना बंकरों और साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अपने कब्जे में लिया और दुश्मनों को भारतीय सीमा के पार ठिकाने लगा दिया। इस युद्ध में अपनी शर्मनाक हार से शत्रु इस कदर बौखलाया कि आज भी रह रहकर इसकी टीस को महसूस करता है। हम सलाम करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया को। फौजी साथियों, 22 फरवरी सन 1948 में राजौरी के कलाल में हुए इस भीषण युद्ध में सेना का सफल संचालन करने, चार डोगरा रेजिमेंट की अगुवाई करने, सूझबूझ, अतुलनीय पराक्रम, शौर्य
और प्रचंड साहस से कलाल के युद्ध में सेना को फतेह के मकाम तक लाने, इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुचालिया को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। जान दी तुमने वतन पे, जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है।
फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।